गाइस, अभी हम इमोजी से कंट्रीज के नाम गेस करेंगे। ये हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है और तुम लोग को इसमें ग्रेड भी मिलेगा ए बी एस सी। तो जल्दी से पहला इमोजी देखो और इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दो। ये वाली कंट्री थोड़ी सिंपल है और मैं एक हिंट दूं कि ये अपना नेबरिंग कंट्री है और ये अपने कंट्री फूड के लिए ही काफी फेमस है। बस इससे ज्यादा हिंट देना मुझे लगता नहीं है ठीक होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत हिंट मिल गए हैं। तो इमोजी को ढंग से देखो, थोड़ा सा वर्ड को ट्विस्ट कर लेना और आंसर नीचे कमेंट में बता देना। लगता है सभी लोगों ने इसका आंसर कमेंट कर दिया था क्योंकि ये पहला वाला क्या है, ये एक टाई है और यहाँ पे ये एक जमीन है यानी कि लैंड। तो मिला देने पे ये प्रोनाउंस करेगा थाईलैंड, थाईलैंड। यस, मैंने कहा तो थोड़ा सा हल्का सा वर्ड को ट्विस्ट करके आंसर दे देना। तो तुम लोगों ने क्या थाईलैंड कमेंट किया था, ये अपना नेबरिंग कंट्री है और ये थाई फूड के लिए काफी फेमस है। हिंट से भी काफी इजी हो गया था, सबको पहला पॉइंट मिल गया है तो इसी खुशी में लाइक तो बनता ही है। मजा आता है यार तुम लोग लाइक देख के। तो चलो फिर अभी सेकंड वाला इमोजी हम लोग देखते हैं। ये भी अपना एक नेबरिंग कंट्री है और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं, हम लोग के काफी सारे गेम्स भी बैन हो गए हैं। इससे ज्यादा हिंट देना आई डोंट थिंक सही रहेगा। और ये तो सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा इतने बड़े हिंट के बाद। तो जल्दी से फटाफट से अपना उंगली घुमाओ और नीचे कमेंट में मुझे आंसर बता दो। भाई सब लोगों ने आंसर बता दिया है, कमाल की बात है क्योंकि ये पहला वाला क्या है, ये एक चेन है। यस गाइस, और ये क्या है, ए। तो मिला देने भी बन गया चेन ए। तो मिला के प्रोनाउंस करेगा चाइना। यस गाइस, चाइना जो इतना ज्यादा कीड़ा कर रखा है, इसकी वजह से पबजी बैन हुआ था, अभी फ्री फायर भी बैन हुआ है। वो मतलब वो तो आधा सा ही बैन हुआ है, पूरा बैन नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी चीज हुई थी कि टिकटॉक बैन हो गया, ये सबसे अच्छी चीज हुई। क्या तुम लोगों ने भी ये गेस कर लिया था? तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वीडियो आए तो तुम्हें पटक से पता चल जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर रखना। तो चलो अभी हम लोग थर्ड वाला इमोजी देखते हैं। ये वाली कंट्री इस वक्त सबसे फेमस हो रखी है क्योंकि बेचारे पे प्रॉब्लम आ गए हैं। इसके लिए मैं ज्यादा हिंट देना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये न्यूज में ही आती रहती है, यही सबसे बड़ा हिंट हो गया है। तो जल्दी से मुझे तुम लोग कमेंट में बता दो। भाई लगता है सभी लोगों ने इसका आंसर कमेंट कर दिया था क्योंकि पहला वाला है यू और ये एक क्रेन है, सामान उठाने वाली क्रेन। तो मिला देने बन गया यूक्रेन, यूक्रेन जो अभी बहुत प्रॉब्लम में फंस रखा है यार। कितना बुरा हालत किया रशिया ने, ठीक नहीं किया यार। तो तुम लोग का क्या ओपिनियन है इस चीज पे मेरे को बताना। ऐसे गेस द इमोजी चैलेंज लेना आप लोगों की तरह मेरी भी हॉबी बन गई है। और जैसे हम अपनी हॉबी को प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे एक और ऐप है येलो क्लास जो हमें अपनी हॉबी और स्किल पे काम करने में करता है। येलो क्लास इंडिया का बिगेस्ट लाइव और इंटरैक्टिव हॉबी लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चों को डिफरेंट हॉबीज लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग और भी अलग हॉबी बिल्कुल फ्री में सिखाई जाती है। साथ ही यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग के क्लासेस भी अवेलेबल है। येलो क्लास पे हर महीने 20 लाख से ज्यादा बच्चे अलग अलग हॉबीज को लर्न करते हैं और यहाँ जितनी भी क्लासेस हैं उसको कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल फ्री में अटेंड कर सकता है। और ये क्लासेस बिल्कुल एक्सपर्ट मेंटर्स के द्वारा डिजाइन की गई है। यहाँ पे तो सेलिब्रिटी मेंटर्स भी है जैसे कि शान, रिपुदमन हांडा, यहाँ बहुत सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं जैसे प्लेस्टेशन, आईपैड, बाइसाइकिल, अमेज़न के वाउचर्स और भी बहुत कुछ। अप्रैल में तो यहाँ एक कॉन्टेस्ट भी होगा जिसमें हर बच्चा भाग ले सकता है और प्राइज में आपको वन प्लस का स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच और यहाँ तक कि आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है और क्लासेस अटेंड करना शुरू कर देना है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। चलो अभी इसको हल्का सा टफ कर देते हैं और ये चौथी वाली इमोजी देखी तुम लोग मुझे आंसर बता सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी भी टफ नहीं है, तुम लोग इजी है। ये वाली कंट्री का भी नाम तुम लोगों ने सुना ही होगा तो जल्दी से बता दो कमेंट में।
भाई ये भी कमेंट कर दिया होगा क्योंकि पहली वाली क्या है, घंटी है जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेल, और ये है जिम का सामान तो इसमें आ जाएगा जिम, और ये है एम, तो मिलाओ देने बन गया बेल जिम एम बेल्जियम। यस गाइस बेल्जियम, क्या ये भी तुम लोगों ने बता दिया था? तो भाई कमाल की बात है, लगता है सब लोग को अच्छे अच्छे पॉइंट्स अभी तक मिलते जा रहे हैं। तो चलो फिर अभी ये वाला नेक्स्ट वाला इमोजी भी देखो, और ये वाला भी मुझे आंसर नीचे कमेंट में बता दो। ये भी काफी सिंपल है तुम लोगों के लिए, लेकिन इसमें मैं एक हिंट दे सकता हूँ, ये एक तो कंट्री नहीं है, हाँ इसे कंट्री में नहीं गिनेंगे, इसे हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं। और दूसरा हिंट ये कि ये यू से शुरू नहीं होता, ये किसी और लेटर से शुरू होता है, लेकिन ये प्रोनाउंस यू से होता है, इस वजह से मैंने यू लगाया। अब इतना ज्यादा हिंट देने के बाद तो तुम लोग बता दोगे मुझे पता है, तो जल्दी से कमेंट कर दो। भाई लगता है सभी लोगों ने कमेंट कर दिया था, इतने हिंट के बाद तो जरूर से बता ही दिया होगा यार, क्योंकि ये है यू और ये एक रस्सी है यानी कि रोप, तो मिला देने में बन गया यूरोप, यूरोप जो कि एक कॉन्टिनेंट है। यस गाइस, और ये यू से शुरू नहीं होता, ये ई से शुरू होता है, लेकिन प्रोनाउंस होता है यूरोप। यस गाइस, क्या तुम लोगों ने ये भी बता दिया था? मुझे पता है जरूर तुम लोगों ने बता दिया होगा। तो गाइस फटाफट से अभी ये नेक्स्ट वाला इमोजी देखो और मुझे कंट्री का नाम बता दो। इसमें मैं तुम लोगों को एक ही हिंट दे सकता कि जैसा अभी रशिया कर रहा है, एक टाइम पे इस कंट्री ने वैसा किया था। भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंट मैंने तुम लोग को दे दिया है, तो अभी फटाफट से मुझे आंसर नीचे कमेंट में तुम लोग चटक से बता दो। भाई लगता है ये भी तुम लोगों ने कमेंट कर दिया है, क्योंकि ये है बहुत सारे कीटाणु यानी कि जर्म, और ये है पैसे यानी कि मनी, तो मिला देने बन गया जर्मनी, जर्मनी गाइस, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ी थी हिटलर की वजह से, और वैसा ही कुछ कुछ रशिया भी कर रहा है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला इमोजी देखते हैं। ये वाला भी काफी सिंपल है, ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंट्री का नाम है, मुझे ये वाला कंट्री का नाम हमेशा याद रहता था, और ये तुम लोग देख के भी झटक से बता दोगे मुझे पता है, तो कमेंट कर दो यार, एकदम ईजी है। लगता है कमेंट कर दिया है तुम लोगों ने, एकदम इजी है। ये पहला वाला क्या है, बर्फ यानी कि आइस, और ये दूसरा वाला है लैंड, तो मिला देने पे बन गया आइसलैंड। यस गाइस, ये भी तुम लोगों ने कमेंट किया है, आई नो सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते जा रहे हैं, आंसर बताते जा रहे हैं। तो चलो फिर अभी थोड़ा सा इसको टफ कर देते हैं, ये वाली कंट्री, ये वाली थोड़ी सी टफ पड़ सकती है, ये काफी पॉपुलर है और आई गेस नेबरिंग कंट्री में ही है, हाँ ये पास में ही है, तो तुम लोग मुझे आंसर बता सकते हो, तो जल्दी से नीचे कमेंट में बता दो। यस गाइस, लगता है ये भी तुम लोगों ने कमेंट कर दिया है, क्योंकि ये पहला वाला गाना गा रहा है यानी कि सिंग, ये है ए, और यहाँ पे ये हल्का सा टफ पड़ रहा होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पानी को डाल रहा है, पोर कर रहा है। यस गाइस, तो मिला देने बन गया सिंगापुर, सिंगापुर, क्या ये तुम लोगों ने गेस किया था? भाई कमाल की बात है, मजा आ गया यार, सिंगापुर। चलो फिर अभी थोड़ा सा इसको और इजी कर देते हैं, ये वाली कंट्री का नाम बहुत ही इजी पड़ेगा, क्योंकि ये काफी टाइम से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और ये एनिमे के लिए बहुत फेमस है। भाई इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, क्यों दे दिया? तो अब मुझे सबसे आंसर चाहिए, मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, तो जल्दी से कमेंट करो सभी लोग। भाई एनिमे का नाम सुन के तो सब लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा, क्योंकि एनिमे जापान की शान है, जे, और ये एक पैन है, तो मिला देने बन गया जापान। यस गाइस जापान, क्या तुम लोगों ने ये भी कमेंट कर दिया था, मजा आ गया। तो आज तुम लोग का स्कोर कितना रहा मेरे को कमेंट में बताना, और yelloclass.com को जरूर से डाउनलोड करने ला, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, और अपने हॉबीज पे काम करना शुरू कर देना। और गाइस ये नेक्स्ट वाली वीडियो तुम लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, इसमें भी बहुत सारी गजब की इमोजी चैलेंजेस है, हम लोग मिलते हैं इस वाली वीडियो में, अभी जल्दी से क्लिक करो और मिलते हैं उस वीडियो में।